हमने जैसे तैसे करके पूरा जो कस्टमाइजेशन है वो करके ट्रिप पे भेजा व्हीकल, लेकिन हमने सोचा कि एक दिन पहले डिपार्ट करेंगे बिकॉज़ उस टाइम पे JNK में इश्यूज चल रहे थे मेजर। एट दैट टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आई गाइस, हर व्हीकल को चेक किया जा रहा था और उस वजह से हमारे ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स जो थे वो ख़राब हो गए थे, आई थिंक इवन मोर देन दैट। सो गाइस, टीम बैकअप हैज़ ऑफिशियली क्रॉस्ड बनिहाल टाउन। खाना पकाना, देन उसको क्लीन करना एंड देन सब कुछ रैप अप करके निकलते निकलते हमें डिले हो जाता। हमें कहा गया कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। हेलो एडवेंचर लवर्स, सो इट्स फाइनली द डे। वेलकम, फाइनली आफ्टर 4 इयर्स। मैं नहीं खाता, ट्रैवल के बाद ही कुछ खाते हैं। तो देखें मंच है, तो गाड़ी में चल रहे हैं। Hello adventure lovers and welcome to the first vlog of the Adventures of Ladakh season 2024. This is your host Vidushi और हम go through करने वाले हैं through our journey of Ladakh। हमारा जो adventure था Ladakh का of season 2024 वो कैसे start हुआ, कैसे plan किया गया, उस सब के बारे में आज हम इस vlog में बात करने वाले हैं। So let's begin। First of all, अगर आप लोग यहाँ नए हैं और आपको नहीं पता कि The Adventures of Ladakh actual में है क्या, it's basically a trip जो हम हर साल करते हैं एंड इस ट्रिप में हम लोग ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स लद्दाख, लेकिन वैसे नहीं जैसे यूजुअली पीपल ट्रैवल टू लद्दाख सेक्टर। यूजुअली क्या होता है, आप एक व्हीकल में जाते हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है टू एक्सप्लोर XYZ प्लेस, आप वो प्लेस एक्सप्लोर करके उस जगह से वापस आ जाते हैं। बट नॉट विद आस, क्योंकि हमारे साथ होती है हमारी पूरी फ्लीट विच इज़ अ कपल ऑफ कैम्पोवैंस, देन वी हैव अ फूड ट्रक जो फुली प्रिपेयर, जो आपका मील है, जो एक फुल कोर्स है वो आपको प्रिपेयर करके देता है फ्रेश एंड एट योर सर्विस। और उसके अलावा हमारे साथ होता है एक बैकअप एसेट जिसमें बेसिकली आपकी बैकअप टीम जाती है, द टीम लीडर, दी अदर पीपल्स जैज मैकेनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स अ फुल प्रूफ ट्रिप जहाँ पे आप नॉट जस्ट दी नोन लोकेशंस ऑफ लद्दाख बट ऑल्सो दी आइसोलेटेड प्लेसेस ऑफ लद्दाख एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरीके का एक ट्रिप हमारा प्लान था एंड ये प्लानिंग हमारी चल रही है फ्रॉम 2019 विद दिस पर्टिकुलर क्लाइंट मिस्टर अर्जुन। हेलो मिस्टर अर्जुन, फाइनली वी मीट। उनके साथ हमारा ये ट्रिप प्लान है फ्रॉम 2019। 2020 हम सबको पता है द पैंडमिक हिट और उसकी वजह से हम ये ट्रिप नहीं कर पाए। फिर 2021 में पुश हुआ, देन अगेन उस टाइम पे भी द पैंडमिक वॉज इन फुल फ्लो तो हम ये ट्रिप नहीं कर पाए। एंड देन 2022 में सैडली दे हैड समवन पास इन देयर फैमिली तो उस वजह से हमने ट्रिप नहीं किया। इन 2020 फाइनली लास्ट ईयर हम लोग एक महीना अवे थे फ्रॉम द ट्रिप, सब कुछ सेट था, सब कुछ फाइनलाइज था कि ये ट्रिप इस साल तो होना ही है, लेकिन मनाली के जो फ्लड्स थे उनकी वजह से अगेन हम ये ट्रिप नहीं कर पाए एंड जस्ट 1 मंथ अवे फ्रॉम द एक्चुअल डिपार्चर डेट हमको ये ट्रिप नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन करना पड़ा। और इस बार फाइनली हम सब लोग यूँ थे कि बस इस बार ये ट्रिप कैंसिल ना हो, नॉट जस्ट अस, नॉट जस्ट द टीम बट ऑल्सो द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी इस बार की डेट क्या होगी ऑफ दिस ट्रिप, हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट आया विच इज़ कन्वर्टिंग हार्बर इंटू एन इलेक्शन कैंपेन व्हीकल। और टाइमलाइन कुछ ऐसी थी कि जो इलेक्शन कैंपेन व्हीकल है उसको कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगता, वो रेंट पे जाता विच वाज ऑलमोस्ट आई थिंक ए 48-50 डेज रेंटल, और उसके बाद वो वापस आता तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता टू कन्वर्ट इट इनटू ए कैंपर वैन, बैक टू ए कैंपर वैन। हमने जैसे तैसे करके पूरा जो कस्टमाइजेशन है वो करके ट्रिप पे भेजा व्हीकल इलेक्शन कैंपेन स्टाइल में। गाड़ी जैसे ही वापस आई, ऑल दो कन्वर्जन अंदर से बहुत सिंपल था तो उस कन्वर्जन को निकालना वाज प्रीटी इजी, लेकिन उसमें ये पूरा फिक्स्चर दोबारा फिट करना विच इज़ लाइक पूरा ब्रांडिंग हटा के पुटिंग अप द सोफ़ा कम बेड्स, ऊपर का रूफ ड्रॉप बेडिंग, अदर साइड पे सोफ़ा, ये सब करने में वी हैड जस्ट आई से 14-15 डेज एट मैक्स। हम लोगों ने नाइट लगा लगा के काम किया एंड कूडोस टू द बोट ऑफ एडवेंचर्स टीम, जितने भी हमारे सब भैया लोग हैं दे प्रिपेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन अ टाइमली मैनर।
लास्ट डे तक भी. सो अल्टीमेटली क्या था कि हम लोगों को 25th को डिपार्ट करना था, लेकिन हमने सोचा कि एक दिन पहले डिपार्ट करेंगे बिकॉज उस टाइम पे JNK में इश्यूज चल रहे थे मेजर. तो द ओनली थिंग वी कुड डू इज कि ट्रैफिक में ना फंसने के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं एक दिन एडवांस में. करते करते भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए. द होल टीम वॉज हियर कि चलो अब निकलना है, लेकिन लास्ट मोमेंट में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही थी एंड वी हैड टू डू दोज चेंजेस. क्योंकि एक बार अगर हम यहाँ से निकल जाते, लद्दाख पहुँच जाते, तो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुकना वॉज नॉट मैंडेटरी बिकॉज फिर ट्रिप जो है उस स्पीड में उस तरीके से नहीं हो पाता. सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट डन. टुडे is 25th and we're still here. We were supposed to leave, but what can we do? Things happen, but we'll be leaving by tonight itself. And finally we are rolling, guys. It is I think 4 or 5 a.m. of 26th. A bit late, but let's see, we'll try and make it. And now it's Harper's turn. आप लोग भी जल्दी जल्दी आओगे. पापा बाय बाय बाय. एंड सो हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ हार्बर फॉर यू. दैट सेड, हमारा जो ओरिजिनल डेट ऑफ डिपार्चर था दैट वॉज सपोज टू बी 26th ऑफ जून, लेकिन क्योंकि डिलेज इतने हो रहे थे हम लोग 26th की अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकले थे. और दिल्ली से हमारा जो फर्स्ट स्टॉप था दैट वॉज सपोज टू बी सोनमर्ग, नॉट लाइक राइट अवे, लेकिन हमें सोनमर्ग पहुँचना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑन 28th ऑफ जून ये ट्रिप स्टार्ट होना था फ्रॉम सोनमर्ग इट्सेल्फ. नाउ इसके बाद जब हम यहाँ से जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे एट दैट टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम आई गाइस, आई के नॉट टेल यू. सो फर्स्ट अप यहाँ से हम लोग निकले, हमारा फर्स्ट स्टॉप था उधमपुर. उधमपुर में हम लोगों ने नाइट स्पेंड किया बिकॉज उससे ज़्यादा आगे जाना विद द ड्राइवर्स ऑन बोर्ड दैट वी हैड पॉसिबल नहीं था. अर्ली AM हम लोग 6 o'clock रश कर रहे थे सो दैट हम डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. गुड मॉर्निंग गाइस, सो आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम नियर उधमपुर. टुडे इज 27th. वी स्पेंड द नाइट हियर बिकॉज इट वॉज प्रीटी लेट बाय द टाइम वी रीच्ड. And the path was not that good. Plus, it was raining heavily. So that is the update. We have one person still sleeping there. That's the food truck. And that's about it. So here is the complete view for you. We came from that side. And now we are supposed to be leaving towards that side. So team, we hope you are excited. Here is the backup, the food truck and Harper right there. Tunnel number one, here we go.
प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम उस चीज़ को एस्केप भी नहीं कर सकते थे. एक सिंगल रूट था जो सोनमर्ग जाने के लिए था, एंड उस टाइम पे वहाँ पे चेकिंग चल रही थी. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस आर अवेयर और नॉट, बट एट दैट टाइम एक मेजर इशू था JNK में, बिकॉज ऑफ विच हर व्हीकल को चेक किया जा रहा था, और उस वजह से हमारे ऑलमोस्ट 3.5 hours जो थे वो ख़राब हो गए थे. आई थिंक इवन मोर देन दैट. सो गाइस, वी आर स्टिल नॉट देयर, वी हैव स्टिल नॉट रीच श्रीनगर. This is Hapur. Then we have other of our assets lined up right here. So as you can see right there, it's a valley long jam, and this is all off because of that issue that had occurred. I took a bath in the camper van, so I am fresh and ready to roll. I still haven't brushed my teeth with the actual toothpaste, but that's okay. That's what happens when you're traveling. And all these assets, these vehicles, are going to be checked to then be released. So it's not an issue. As you can see, those are the vehicles that are coming back from Srinagar. And then we have this one right here. So, all these vehicles. I'm trying to find food truck. So apparently, I was going into the wrong direction because it's not that way that all our vehicles are. It's actually the other way around. So I need to move back. But as you can see, that is the extent of the traffic. And because of that, we are so dang delayed, but that's what happens, as I said, and it is for a reason. So we're going to be bearing with it because we do have one luxury to ourselves, which is AC in this very heated temperature. And I'm already out of breath. I don't know what will happen to me lately. AC in this very heated temperature, and the luxury of having our home on wheels with us, because everybody else is either in their car or outside like that. Look, that's what's happening to people. But we do have the luxury. As I said, I took a bath, a whole bath in the camper van, so I feel pretty fresh. I did exhaust the water because we hadn't, like the whole team hasn't bathed since 25th night. So 25th night we left, and since then we haven't had a bath at all. So let's see. And there it is. That's the food truck. That's not our backup asset, but the food truck I have found. People are literally so dead right here. So here is the backup, sorry, the food truck. See, my IC is also shot. आपके बीच में तो नहीं है भैया गाड़ी? Isuzu. दिखी नहीं, निकल तो नहीं गए आगे, क्योंकि वो वॉकी की रेंज में भी नहीं है. अभी शायद निकल गए. बीरल भैया कह रहे हैं, मैं पक्का बोल रहा हूँ बालिक आगे हैं, मेरे से बहुत आगे हैं. मैंने कहा मैं आगे देखा ही, मेरी अभी बात हुई है. कह रहे नहीं पक्का आगे है. मैंने कहा मैं देख के आती हूँ, रुको. सो फाइनली फाउंड माई टीम मेम्बर, केम हियर थ्राइस. आफ्टर दैट हम लोग वहाँ से निकलते हैं. इनिशियल प्लान हमारा था रामबान में, हमको जो ट्रैफिक मिला उसको बाईपास करके हम लोग बनिहाल पहुंचे. बनिहाल में बिकॉज द बैकअप व्हीकल, सो माई सेल्फ द टीम लीडर एंड टू मोर पीपल, हम लोग ऑलरेडी एडवांस में पहुंच चुके थे वहां पे. सो वी थॉट मे बी अगर हम पहले लंच कर लेते हैं, ब्रंच कर लेते हैं एक्चुअली, एंड बाकी दो जो गाड़ियां हैं द फूड ट्रक एंड द कैंपर वैन, अगर ये बाद में आए
और मीन वाइल हम शॉपिंग वगैरह जो है ग्रोसरीज का वो कम्प्लीट कर ले तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बेटर थिंग क्योंकि फिर हमें टाइम काफ़ी बच जाएगा. सो गाइज टीम बैकअप हैज़ ऑफिशियली क्रॉस्ड बनिहाल टाउन एंड वी आर वेटिंग फॉर the other two teams, the food truck as well as the camper van Harper, but we are here. If you hear a distortion, that's the walkie-talkie. But by the time hum Banihal pahunch ke lunch order karte, us time tak puri team aa chuki thi. And so Harper has arrived as well. We are now waiting for the food truck, after which the team Isuzu is going to head back to Banihal town. लंच हमने कैरावान में प्रिपेयर करने का झंझट किया ही नहीं बिकॉज हम हर बार ये चीज़ बोलते हैं अगर आप कैरावान में ट्रैवल कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी अ रश्ड आइटिनररी, इट नीड्स टू बी ए वेरी स्लो पेस ट्रैवल क्योंकि खाना पकाना देन उसको क्लीन करना एंड देन सब कुछ रैप अप करके निकलते निकलते हमें डिले हो जाता. तो दैट इज़ वाई वी थॉट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम कैरावान में ही मील अपना खाएँ. सो हमने बाहर मील किया अपना और उसके बाद हम लोग निकले. वी रिट्रेस्ड आवर जर्नी. बनिहाल में शॉपिंग हमने एलिमिनेट कर दी बिकॉज हमें पता लगा कि आगे भी हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी जो हमें चाहिए, द बेसिक ग्रोसरीज दैट इज. करते करते हम लोग क्रॉस करके पहुंच जाते सोनमर्ग, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ दैट इशू दैट वॉज देयर हमें कहा गया कि आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते. सो अल्टीमेटली हम लोग पहुंचने के बाद भी वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके क्योंकि 6 PM वॉज द क्लोजिंग टाइम फॉर दैट बॉर्डर और उसके बाद हमें आगे जाने नहीं दिया जाता. सो हम वापस आए. आई डोंट नो व्हाट वॉज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम बट पीपल केप्ट ऑन मेंशनिंग टू अस कि आपको पूरा वापस जाना होगा, दैट इज़ 65-70 किलोमीटर्स वापस आपको जाना होगा इन टाउन. उसके बाद उन्होंने हमें रिडायरेक्ट किया टू अनदर रेजिमेंट. उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे नाइट स्पेंड कर लो. उनके पास हम गए, दे सेड नो आपको पूरा वापस जाना होगा एंड वी वर ऑल लाइक कि इसमें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एंड टुमारो मॉर्निंग एनी विच वेज हमें वापस आना है टू क्रॉस दिस पाथ एंड रीच सोनमर्ग. सो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन. तो हम लोगों ने मिडल में एक स्पॉट देखा जहाँ पे हमारी तीनों एसेट्स आराम से चुपके से स्टेशन हो जाए. तो हमने वहाँ पे गाड़ी लगाई. आफ्टर पार्किंग द व्हीकल देयर हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकले. बाय द टाइम दैट हैपेंड इट वॉज 28th. माइंडेड 28th इज़ द डे जब ट्रिप ने स्टार्ट होना था. सो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे कि कैसे अचीव करेंगे, हमें लोकेशन पे पहुँचना है, सब कुछ प्रिपेयर करना है, सब कुछ लाइक कैसे करेंगे. करते करते हम लोग वहाँ से निकले. निकल के हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग शॉपिंग करी थोड़ी बहुत इन दी सोनमर्ग टाउन और उसके बाद हम पहुँचे फर्स्ट लोकेशन पे. नाउ जो फर्स्ट लोकेशन था दैट वाज वे टू टूरिस्टी, वे टू केओटिक और इनिशियली हमारा व्यू था कि हाँ ये लोकेशन रिवर के पास में है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन. बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे वहाँ इतनी पब्लिक थी कि हमने सोचा पैसेंजर्स को फर्स्ट डे इतने केओस में लेके आना है नॉट समथिंग जो हमें करना चाहिए. तो हम वहाँ से निकले एंड देन बैकअप में आवर टीम लीडर एंड माई सेल्फ हम लोग गए. हमने एक लोकेशन जो थी वो फेच करी एंड इट वॉज एन आर्मी लैंड. हमने जाके आर्मी मेम्बर से बात करी. दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल. दे वर ट्राइंग टू एटलीस्ट लाइक गिव अस द प्लेस बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 1 hour ऑफ डिस्कसिंग ईच एंड एवरी थिंग फाइनलाइज ये हुआ कि क्योंकि हमारे साथ 5 NRIs थे, उन NRIs के लिए वो परमिशन लेके आना इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ऑन सच शॉर्ट नोटिस. सिर्फ उस वजह से हमें वो ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जो लोकेशन था विद ए होल सीनरी हमको वो ऑमिट करना पड़ा. उसके बाद जिस लोकेशन पर हम पहुँचे दैट वॉज आई थिंक गॉड वॉन्टेड कि ये ना हो ताकि मैं आपको इससे बेटर दे सकूँ. तो हम उससे भी बेटर लोकेशन पर जो हमने फाइनलाइज किया वहाँ पे स्टेशन किया हमने. हेलो एडवेंचर लवर्स, सो इट्स फाइनली द डे. वी आर फाइनली एट सोनमर्ग एंड हियर इज द ओवरव्यू ऑफ हाउ द सेटअप इज लुकिंग लाइक. आई विल शो इट टू यू क्विकली.
Right here is Harper, that's the food truck, and going there is our backup asset to fetch some more stuff. So it's running errands right now, and then we have our complete setup right here. So this is officially the day one of the Adventures of Ladakh. We have prepped and readied everything, and we're just waiting for the passengers on board to arrive, the adventure lovers on board to arrive. So guys, here is the overview of how a fully decked caravan by the name Harper is going to look like. So here is the first section, a sofa that converts into a bedding. Then we have a drop-down bed, another drop-down bed, a similar sofa, a huge enough area. So that is the extent of the slide out, the expansion that we have. Then moving to the other side, we have yet another dining area that converts into a bedding. Another one here, we have this deep storage. Then we have the kitchen here. So we have this area, and then each of the kitchen counter, the kitchen top that we have, this is fully decked with chocolat, the chocolates. So here we have all our cutleries, the knives, the second one. Oh, everything is messed here. I need to set this up, but this is the glass. Then in this one, we have the plates, the kettle, a strainer, and that's about it. In this one, we have our towels. Underneath we have the apron. In this one we have the gloves, more towels here. Then in here we have a whole spice drawer, and that's the kitchen for you. That's the sink. This is going to be opening up, and then we have on this side the bathroom. So a huge bathroom, and then this section right here is where we have our opening, and then the good old view of that. So after reaching that location, I highly doubt कोई भी ऐसा था जिसने बैठ के शांति से दो पल गुजारे हो. Everybody was like back to work, काम करो, open करो, set up करो, sanitize करो, clean करो, prep the meal, this and that. Like we were in a total chaos because हमको already because of the location delay हो गया था. जैसे तैसे हम लोगों ने सब कुछ prepare किया, and then finally हम लोग मिले टू दी पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, उनसे मिले हम लोग. हेलो एडवेंचर लवर्स, सो वी आर ऑफिशियली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ लद्दाख. आई एम गोइंग टू बी द होस्ट फॉर द सीजन 2024, एंड आई हैव द होल टीम विद मी. सो एवरीबडी इज राइट देयर, एंड वी आर गोइंग टू टेक देयर इंफॉर्मेशन एंड सी हाउ इज द जोश ऑन डे वन. Hi everyone, myself Kamaljeet, the team leader for the group. Hello, my name is Nitin, senior leader. My name is Balikram, motor home driver. आप कौन हो बताओ? मेरा नाम है बीरबल. और आप? पिछले 15 साल से हमारे 15 साल से मैं इस मोटर होम एडवेंचर में जॉब कर रहा हूँ. He is the mechanic. आपका नाम? मेरा नाम अजय है, मैकेनिक का काम करता हूँ. आई एम प्रशांत, आई एम असिस्टेंट मैनेजर. मेरा नाम शेखर है और मैं ड्राइवर हूँ. आई एम पारस, आई एम सेफ फॉर द सीजन 2024. कल्याण सिंह, असिस्टेंट शेफ. सो दिस इज द टीम, एंड लेट मी सी द जोश. हिप 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 हिप. वेलकम. Finally, so after much. 4 years. Very nice to meet you. Okay. Yes. Hi, Abhishek. Hi. Vidushi. Hi, hi. Hello, Abhishek. Okay. Wow. It's beautiful. Yeah. Set up. Thank you. Most welcome. Hello. Hello. Hi. Mrs. Charu, I believe. Yes. Nice to meet
Hello. Ravina, nice to meet you. Pleasure. Hello, Mr. Arjun. Finally, we meet. From being boys only to with wives to now kids. Kids. We had children in the meantime. All righty, are you ready? Yeah. Yes. First up, the most important thing is that these are winches that nobody is supposed to touch or twist or do anything. It can become a safety hazard, right? Next up is the cylinder that you have right here. Anything happens, which it won't, because we are going to get acclimatized with the environment and all. So you won't have to use it. But if you do need to use it, the masks and everything is going to be ready. Now coming to the camper, right when you enter, this is your control panel. That is your MC on the top. If it's turned down, everything goes off. If it's turned on, this is basically your panel. Your music system, a microwave, which can only and only function when the genset is connected. So it has a genset, the vehicle has a genset. It'll only function then. Then this TV, it can function through the battery as well. This whole compartment is a slide-out compartment. So whenever you station only, then you can open it and then you get this whole space. These areas are all dining cum bedding areas. So each area converts into a bedding once you put this table down. Then this area is where you have all your oven mittens and all. This one, more towels. Yeah. Then this right here is the bathroom. So on this side, we have the complete setup. And then on the opposite side is the bathtub. Bathtub. Shower cum bathtub. That's the drop down panel for the rear exit. It's the lift using which you can hop onto the rooftop. But to operate that, you'll need the assistance of the other person. Yes. Guys, three cheers for Arjun and Pelletier. Hooray! 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 Hooray. 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 And Vidushi for putting up with us for 4 years. Actually, to him. I've never waited this long for anything. At least for all. Vidushi without the edge. Yes. Yes. So yeah, another thing I forgot to tell you, this is the pump for the water. So this is the water pump. Once you press it, you can use it. And once you want to then not use the bathroom area, you again need to press it. Otherwise, the motor is not going to work properly. So here we have the exhaust, and then this light is there for vanity purpose. It's completely decked out as well, in case you need sanitary napkins, loofahs and all, everything is there. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिप तो लद्दाख का है, तो ये ट्रिप दिल्ली से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। उनके पास टाइम का काफ़ी क्रंच था, उस वजह से हम लोगों ने ट्रिप को जो है स्टार्ट किया था फ्रॉम सोनमर्ग एंड एंड किया था एट ले। तो जो बाकी का जर्नी है, दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू रीच सोनमर्ग एंड देन फ्रॉम ले टू रीच बैक टू दिल्ली, वो जर्नी हम लोगों ने टीम ने अकेले ही कवर अप किया। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग फ्लाइट से आए थे टू सोनमर्ग, वहाँ से एक व्हीकल उनको लेके आया टू द एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने पूरा सेटअप रेडी करके रखा था। आफ्टर 4 whole years गाइस वेट करने के बाद हम लोग उनसे मिले एंड देन वी वेंट अबाउट द फर्स्ट डे वॉज वेरी चिल। बाद जो हमारा नेक्स्ट डे का जर्नी था वो हमने उनको ब्रीफ किया कि जर्नी कैसा होगा, बिकॉज इट वॉज अ ट्रैवल दैट वॉज सपोज टू बी टूवर्ड्स
जोजिला पास जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है एंड स्पेशली अभी जो रोड कंडीशंस है वहाँ की, एक न्यू रूट बन रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक डबल अप हो जाएगा, इसलिए हमारा गोल था कि हम अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके चले। नहीं खाता ट्रैवल के बाद ही कुछ खाते हैं तो देखें मंच है तो गाड़ी नहीं चल रही है, ठीक है। और फिर क्योंकि लंच अगर हमको जल्दी सर्व करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे ना, अगर बालिक बीरबल भैया इसमें चाहिए टी वगैरह के लिए बेसिक चीज़ों के लिए तो बीरबल भैया इसमें रहेंगे। टू ब्रीफ यू ऑफ हाउ टुडे एंड टुमारो इज गोइंग टू गो एंड व्हाट आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स ऑफ द ट्रिप। कमल भैया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमलजीत, I'm your tour leader for this and I'm in these mountains working for last 20 years. I have a good experience to do what to do. I'm into motorsports, do four-wheel drives, motorbike tours, caravan tours, all these things. Okay, so main thing is as you are traveling into the higher Himalayas, as you all will be in the caravan for maximum of the time, whenever you get down from the vehicle, so please always wear something on your headgear. In caravan, temperature will be 20 plus. Once you are out, it will be 12 degree, 15 degree. The main symptom of altitude sickness is headache. So this is the main thing to cover our heads all the time. Okay, kids, you want to enjoy holidays? Nobody want to get sick? Yeah. Okay, so this is the golden rule. Then tomorrow our destination is Mulbeek. Till Kargil, once we cross Jojila Pass, it's the entrance to the other part, Ladakh. Few of the precautions. If anyone loses their appetite, क्योंकि ना हाइट इट्स अ वेरी कॉमन, एवरी वन इट कैन हैपन टू एनीवन, आपको लिक्विड लेते रहना है, टी कॉफी लिक्विड जूसेज वट एवर यू वॉन्ट टू फील, यू जस्ट ड्रिंक इट, द मोर यू ड्रिंक इट द मोर यू ड्रेन आउट, दैट मीन्स योर सिस्टम इज वर्किंग, दैट्स द बेस्ट सिम्टम, दैट्स नो वन इज सिकिंग गेटिंग सिक। टुमारो आवर टाइमिंग ऑफ स्टार्टिंग विद यू गाइज इज 7 AM. 7 AM वी हैव टू लीव, दैट मीन्स वी शुड बी रेडी और लाइक अप by 6. Our breakfast will be with us by 6 o'clock. This food truck will be going in advance so that they have a gap of around 2.5 hours. Okay, so today is the only day when the food truck is here. After this, every day the food truck is going to be like going in advance for the breakfast and for the lunch. At dinner time the food truck will be with us. Hum logon ne jo meal tha wo khaya, sabse connect kiya, उनसे जाना कि what is it जो वो look forward कर रहे हैं इस trip पे। We played a lot of indoor games but outdoor हमने खेला carom काफ़ी और cards वगैरह हमने खेले, then night में हमने chill किया। So people are chilling, some are playing carom, and then people just had Maggi. On the other hand, we have the dinner being prepped. Kya ban raha hai bhaiya? Dal. Paneer. Bhindi. Nice. Bhookh lag rahi hai bhaiya. The perks of having a food truck. You get the home-like meal. This is the view, by the way. The girls are enjoying their. The mountains are really, really pretty. The weather, it's getting a little bit chilly now. There they are, the boys being boys. Wow! Rice, then we have paneer, then we have lobia, more rice, then in this one we have dal, then there we have bhindi. So the dinner is served thanks to Chef Paras. अब हम लोग जिस टाइम प्रिपेयर कर रहे थे फॉर द जर्नी नेक्स्ट डे, सब कुछ हम टेस्ट कर रहे थे कि गाड़ी में सब ओके है, फूड ट्रक में सब ओके है, द
the backup is all okay, ration and all hamare paas stored hai ya nahi hai. Us hi time another disaster occurred. So this camper van Harper, it's basically having a sensor based accelerator. Iska pura jo system hai aage ka, that's a sensor based system, and for some reason that malfunctioned. And we were in a total chaos ki is time pe, is location mein, how are we going to get any sort of backup? Aur hamare sath hamare mechanic the Kalu bhaiya, but jo sensor based system hai wo mechanically operate nahi kiya ja sakta. You need a computer, you need the whole shenanigan to actually resolve the issue. So we were in a total chaos. Clients humse pooch rahe the, is anything wrong, and we said no, it's all fine. But deep down hame pata hai ki in real terms hamara kya hal tha. And thankfully the man behind the making, he called the Tata people up there in Sonmark. Wo I think 6 or 6:30 ke around wahan se nikle. It was a 2-hour journey from there to hamara location. तो वो वहाँ पहुँचते हैं एंड देन 2-3 hours उनको लगते हैं टू गिव अस द रेजोल्यूशन. पूरा जो सेटअप था आगे का उन्होंने ओपन किया, उसमें सेंसर में क्या इशू आ रहा है, दैट ऑल गॉट रिजॉल्व. सो क्विक थिंकिंग ऑफ द मैन बिहाइंड द मेकिंग हेल्प्ड अस. गाइस, वी हैड अ माइनर इशू हियर एंड दैट्स व्हाट्स गेटिंग रेक्टिफाइड करंटली इन द कैबिन. सो इट्स अ सेंसर इशू इन द व्हीकल. And it can only get rectified by the people who know how to operate the computer thing. So thankfully, thank you Tata, thank you Sir Tata, because of you we were able to get the service even here out and about in the middle of nowhere. So I'm glad that happened. On another note, everybody else is having their dinner, the clients and all, and I hope they like the food. But that's about it. The team, the rest of the team is right here. Aur uske baad another issue occurred. I don't know kya tha, maybe something in the air, maybe some kind of bad omen or something, but hamare ek team member ne jo jack hota hai uska switch on karke chhod diya tha, which is not something that you should be doing. To wo switch exhaust ho gaya tha and uske bina jack cannot go up. Agar aap wo switch kharab kar dete to jo jack hai wo upar ja hi nahi sakta. Jaise taise karke jo hamari team hai unhone raat bhar lag ke उस इशू को रिजॉल्व किया, पूरा सेटअप ओपन करके चेंज किया एंड हम लोग आई थिंक उस रात को अराउंड 3 AM, मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग का 3 AM है, उस टाइम जाके हम लोग लाई डाउन करने गए थे कि चलो फाइनली अब थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं. अगेन 3 hours बाद हमको ट्राइज रखना था अपना सो दैट हम निकल पाते टाइमली टू क्रॉस जॉर्जिला पास एंड देन टू रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. The official day one of the trip was a total chaos. Lekin jaise aap dekhenge, we also had certain good parts. So guys, that is it for the first day, the first official day. It was full of adventure. Aisa adventure jo humne expect bhi nahi kiya tha. Itne sare adventures ke series jo the wo hamare sath first day pe hi ho gaye. But iske baad jo din the usme bhi aisa nahi hai, breakdown nahi hua. There were multiple things that went wrong, but there were multiple memories that we created. Aur wo sab aap jo aane wale vlogs hai usme zarur dekhiyega. If you are someone jo interested hai, maybe next season 2025 ka jo season hai usme ek new adventure of Ladakh karne ke liye, then stay tuned for that as well. Aur usi note pe the first day, the first official day of the Adventures of Ladakh hum end karne wale hain. If you like this video, please give it a thumbs up and stay subscribed. Abhi I think during Diwali time we have a Diwali bomb that's coming for you guys. Aur actually ek sneak peek jo hai hum de chuke hain already on one of our videos. To piche jaake hamare walk throughs agar aap dekhte hain aur agar aap pehchan sakte hain ki wo bomb, wo surprise kya hai is season ka, to make sure to comment it down as well. And thank you again for your constant support, thank you for the comments that you guys do make, or thank you for the recommendations, the suggestions that you guys give. And on that note, we are going to be signing off. Motorhome Adventures, signing off.